गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू जो 21 जुलाई को हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। लेकिन मैं ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात सबको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी ये हो गई है कि ये मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सब एक पैटर्न पर आधारित है। ये लोग जो सोच रहे हैं कि मैं पैटर्न पर आधारित बना रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह के पैटर्न यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू में नहीं पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं वो सिर्फ एक लड़के का नहीं है, बल्कि 5-6 लड़के 7 लड़के से पूछा गया, तो वो लोग बताते हैं। ये अधिक क्वेश्चन कोई भी नहीं बताना चाहता है, एक दो क्वेश्चन बताते हैं, तो वही सब ऐड करके इस तरह से तैयार किया जाता है वीडियो। और कुछ लोग ये समझ लिए हैं कि ये पैटर्न है, कि इसी टाइप के पैटर्न पर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो वो लोग बिल्कुल ये बात गलत सोच रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी गलत ना समझे कि ये इस तरह के पैटर्न पर वीडियो, इसी तरह के पैटर्न पर इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। ये इंटरव्यू का पूछा हुआ क्वेश्चन जरूर है, लेकिन पैटर्न ये नहीं है। पैटर्न आपका जो सब्जेक्ट है, एक लोग कमेंट में ये भी कहा है कि मैं पीसीएम से हूँ, तो पीसीएम से ही पूछा जा रहा है, अलग से नहीं पूछा जा रहा है। तो मैं उनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि पीसीएम से भी पूछा जा रहा है, लेकिन बाय चांस कभी कभी कोई कोई ऐसे हैं, जैसे एक कमेंट में और आया था कि कोई मैडम है, वही बबीता मैडम शायद नाम बताए थे, तो वो उनका क्वेश्चन जो है कि दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे मैटर से पूछना चालू कर दिए थे। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आप जो हैं, जिस सब्जेक्ट से आपका इंटर है, बीएससी है, बीकॉम है, बीए, उसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। बाय चांस कोई क्वेश्चन हैं जो कि इधर उधर से पूछे जा सकते हैं, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। और इसे बिल्कुल भी पैटर्न मत समझिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वीडियो तैयार किया गया है। और कुछ लोग पैटर्न समझ रहे हैं, तो इसे पैटर्न ना समझें। आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। इसके बाद जो पूछा गया, आवृत्ति का मात्रक बताओ। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज से होता है, और इसे HZ से डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, वो डायनामाइट बनाने में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रो ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, वो अणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं? अणु सबसे छोटा कण होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होता है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये देखिए, इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, तो जो पीसीएम से हैं उन्हीं से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी बाय चांस किसी किसी से पूछ दिया जा रहा है, कंप्यूटर तो लगभग सभी से पूछा जा रहा है। और इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे पैटर्न मत समझिएगा, क्योंकि कुछ लोग पैटर्न समझकर कमेंट भी गलत सलत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट में भी कर रहे हैं, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन जो है, वो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। और इसके बाद जो पूछा गया है, वो टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके बाद है कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन है, वो है 8 डिजिट के बाइनरी अंक को क्या कहते हैं? तो 8 डिजिट के बाइनरी अंक को बिट कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और इसके बाद देखिए, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, 8 बिट के बराबर होता है। और इसके बाद अगला पूछा गया, 5 का बाइनरी संख्या बताओ। तो 5 का आप बाइनरी संख्या अगर जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो 101 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, 101। और इसके बाद है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। और एक बात ये ध्यान दीजिए, अगर ग्रुप से आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, जो लोग फेसबुक चलाते हैं और चाहते हैं कि ग्रुप से ज्वाइन हो, तो वो लोग इस लिंक पर जाकर ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में ये सारे सब्जेक्ट का गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन होता है, आप लोग भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया वो कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछा गया था, और इसमें पूछा गया है कि DFHI क्या है। तो
डीएफएचआई क्या है? तो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, डीएफएचआई का फुल फॉर्म होता है यह। और यह मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है, मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संसाधनों की कटौती तथा फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो रेपो दर पूछा गया था, और रेपो दर और रिवर्स रेपो पूछा गया है। तो इसमें रेपो दर किसे कहते हैं? रेपो दर अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करती है उसे रेपो दर कहते हैं। मतलब क्या है रेपो दर किसे कहते हैं? अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करती है उसे रेपो दर कहते हैं। अगला देखिए है रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं? तो रिवर्स रेपो दर है अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। ये क्या है कि अल्पकालिक अवधि के लिए रिवर्स बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इसके बाद बैंक दर मैंने अपने से ये क्वेश्चन ऐड किया है, और ये क्वेश्चन जो है जब रिवर्स रेपो और रेपो दर पूछा गया तो बैंक दर भी पूछा जा सकता है कि या फिर पूछा भी गया हो किसी और से। तो ये देखिए क्वेश्चन है इसका आंसर होगा जिस सामान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है बैंक दर कहलाता है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। और एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का इंटरव्यू होते जा रहा है वो लोग कृपया करके अपना इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस समय बहुत ही कम क्वेश्चंस मेरे पास मिल पा रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादा लोग बताना भी नहीं चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर, और कि बता देंगे तो शायद किसी और का भी मतलब कि वो तैयारी कर लेगा ऐसे वैसे कुछ लोग सोच रहे हैं। तो इसलिए जिन लोग का हो जा रहा है इंटरव्यू वो लोग प्लीज़ कृपया करके ज़रूर बताएं और इस ईमेल आईडी पर शेयर करें या फिर कमेंट बॉक्स में ही क्वेश्चन बता दें। और आइए अगला देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पाली धर्म किस पाली भाषा किस धर्म की भाषा है। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म की है आप लोग जानते ही होंगे। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली अवधी है। सबसे कम बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो सबसे कम बोले जाने वाली बोली बघेली है। इसके बाद जो पूछा गया है वो मैथ का है क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 3900 रुपये है, वह धन ज्ञात करो। तो वह धन 3000 रुपये आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो वह दर 25% होगा, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आंसर आएगा आप लोग का। और ऐसा और अगला जो है एक कार्य को 10 दिन 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त करता है। मतलब कोई मजदूर है यहाँ देखिए छूट गया है, तीन तीन यहाँ पर मजदूर है यहाँ पर छूट गया है। मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी है और तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन और 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा? तो वो 4.5 दिन में पूरा होगा, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा इसे कितना आ रहा है आंसर आपका। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस लिंक पर इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन गूगल पर सर्च करें और वहां से आप लोग ले सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और पूरा एक बात ये बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं उन सब वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट हैं जो कि लगभग कई बार पूछे जा चुके हैं। तो उन सब क्वेश्चंस को मैंने दोहराया नहीं है क्योंकि मेरे वीडियो में ऑलरेडी वो सब हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। और एक बार मैं फिर से ये दोहरा दे रहा हूँ कि जो लोग मेरे इस मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ
इस वीडियो को पैटर्न समझ रहे हैं तो वो पैटर्न ना समझें। एक बार फिर से मैं बोल बता दे रहा हूँ कि पैटर्न ना समझें, क्योंकि ये पैटर्न मैंने इस तरह से सेट करके आप लोगों को दे रहा हूँ बनाकर वीडियो, लेकिन इसे आप पैटर्न ना समझें। क्वेश्चन जो पीसीएम के उससे पीसीएम का ही पूछा जा रहा है, जो इतिहास भूगोल बीए में लिए हुए हैं, सोशल साइंस लिए हैं या कॉमर्स के हैं, तो उससे वही पूछा जा रहा है। लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ अपलोड वीडियो, वो सारे में सिर्फ एक लड़के का इंटरव्यू का क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि पांच छह लड़के, सात लड़के से पूछा जाता है, तो वो लोग क्वेश्चंस बताते हैं, एक दो क्वेश्चन बताते हैं, तो वही वहाँ पर रिकॉर्ड उनका क्वेश्चन करके बस उस तरह से वीडियो मैं तैयार करता हूँ उस आधार पर। तो आप लोग इसे पैटर्न ना समझें। आप अगर पीसीएम के हैं तो पीसीएम से पूछा जाएगा। चलिए आगे चलिए देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये उसका लिंक है, यहाँ से आप डायरेक्ट मेरे वीडियो तक पहुँच सकते हैं, और मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।